हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे बंद कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपना सिम कार्ड चेंज करते हैं या फिर मोबाइल ही चेंज करते हैं, तो ऐसे में हम सोचते चलो यार इस व्हाट्सएप अकाउंट को बंद ही कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो। किसी भी कारण से अगर आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना है तो चलिए बताता हूँ कि आप कैसे अपना व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो जो भी व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो उसके ऊपर आपको आ जाना है सिंपली व्हाट्सएप ऐप के अंदर। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट मिलेगा, अकाउंट पे आप सिंपली क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा डिलीट अकाउंट, यहाँ पे सिंपली डिलीट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे दोस्तों अपना जो मोबाइल नंबर है जिस नंबर से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट खोले हो वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे अपना नंबर डाल देने के बाद सिंपली आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके यहाँ पे कनेक्टिंग लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे और एक बार यहाँ पे आप देखना डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे फिर से आपको अपना जो कि यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीटिंग लिखा हुआ आ जा रहा है एंड अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो गया है। अगर आप कोई व्हाट्सएप हमारे नंबर से सर्च करेगा तो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट उनको नहीं मिलेगा।